আপনার প্রিয় তারকার লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন সিটি সিনেমা ইউটিউব চ্যানেলে, আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না। अब तक बहुत ही मज़ेदार रहा है, शायद इसलिए क्योंकि शशांक और जानवी के साथ सफ़र करने का मौका मिल रहा है दोबारा शूटिंग के बाद। लेकिन हाँ, थकावट तो होती है, एक के बाद एक इंटरव्यूज देने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अच्छा लग रहा है कि हम अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। चर्चा बहुत है, लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि लोगों को फिल्म और भी ज़्यादा पसंद आए। 20 जुलाई को आ रही है हमारी फिल्म, इन केस यू डिडंट नो। क्या नाटक करा कल से? कुछ भी तो नहीं। मुझे देख क्यों नहीं रहा? देख तो ठीक से क्यों नहीं देख रहे हो? चोटी बांध के आई थी, मल्टी कलर पहन के आज येलो सलवार कमीज में आई है और बाल खुले छोड़े हैं, कितना ठीक से देखे। आई थिंक हम बहुत खुश हैं कि हमें इस फिल्म का हिस्सा मिलने का मौका मिला, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है हमारा इस फिल्म के साथ, तो शायद इसलिए एनर्जी अच्छी है, बहुत पॉजिटिविटी है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, नर्वसनेस थोड़ी कम है, हालांकि है और सोचा जाए तो बहुत है, लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा जी, और कॉन्फिडेंस हमें हमारी टीम से ही मिल रही है, हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। आप लोग को कब पहली बार प्यार हुआ था? धड़क कैसा अपनी वो सबसे पेरेंट्स के साथ, धड़क कैसा पहली बार आपको अपनी लाइफ में? धड़क जैसा प्यार धड़क में ही हुआ था, पार्थिवी को मधु से प्यार हुआ था फिल्मिंग के दौरान, तो ये था फर्स्ट टाइम धड़क जैसा प्यार। आई लव यू। तू भी बोल, मुझे शर्म आवे। शर्म आवे, एक लपट दूंगी तुझे। आई लव यू टू। अच्छा, पूरे देश भर में आपको गाना प्यार मिल रहा है, उसके बारे में कुछ कहिए। आपने बहुत जगह प्रमोशंस किए हैं, बहुत ज्यादा क्रेज दिखाई दिया है फिल्म के ऊपर, क्या कहेंगे? बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि यू नो लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। लेकिन यू नो मैं थोड़ी चिंता भी है कि मैं इनको निराश नहीं करना चाहती हूँ, जिम्मेदारी है, ये लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं तो यू नो हमारे काम के ज़रिए हमें भी इनको बहुत कुछ देना है, खुश करना है हमारे काम के साथ। पप्पी चाहिए। पप्पी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा। मुझे याद है कि इस फिल्म की फर्स्ट शेड्यूल के दौरान मुझे दो दिन लगातार पानी में बहुत कूदना था, क्योंकि एक दिन मुझे एक दिन बावड़ी में कूदना था और फिर अगले दिन मुझे लेक पिचोला में, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा तालाब है उदयपुर में, वहाँ कूदना था। और हम दिसंबर में शूटिंग कर रहे थे तो ठंड बहुत थी और पूरे कपड़े समेट कूदना था अंदर, तो वो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। क्या बोला डॉक्टर? हार्ट अटैक आयो है, कोमा में जा सकता है, ध्यान रख। इस फिल्म को बनाने का मतलब हमेशा ये था कि ये जो कहानी है वो उतनी ही रेलेवेंट है राजस्थान में जितनी की महाराष्ट्र में है, और इस पूरे देश को ये कहानी बताना बहुत ज़रूरी लगा, और शायद इस वजह से शशांक ने ये फिल्म चुनी। शशांक माशाल्लाह एक ऐसी जगह में थे और हैं अभी कि वो कोई भी फिल्म चुन सकते थे, लेकिन इस फिल्म से उनको एक प्रेरणा मिली और उनको लगा कि ऐसी कहानी बतानी ज़रूरी है और अपने अंदाज से बताना, ये उनकी नीयत थी। और हम सब ने बहुत ही शिद्दत से कोशिश की है कि हम एक नई फिल्म बनाएं, अपनी खुद की फिल्म बनाएं उससे प्रेरणा लेकर। सिटी सिनेमा यूट्यूब चैनल टी আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং অবশ্যই কমেন্ট করুন। আপনার প্রিয় তারকার লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন সিটি সিনেমা ইউটিউব চ্যানেলে, আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না।